अच्छा जी, तो ये दूसरा यानी कि ये वही वाला पार्ट है, वही वाली वीडियो है जहाँ पर हम कैनवा में बना रहे थे, लेकिन वो ज़रा मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें ये है कि मैं चाह रहा था कि जिसके अंदर एक ही पार्ट के अंदर मेरी ये सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो मैंने अब ज़रा टेक्स्ट कॉपी करना है। पहले तो मैंने ये लोगो और टेक्स्ट, मैंने ये दोनों ही कॉपी, मुझे ये दोनों चाहिए क्योंकि मैंने इस इमेज के ऊपर यहाँ पर दोनों जगह ही ये लगानी है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। अच्छा, मेरा लोगो आ गया। लोगो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, लोगो अब मैंने लगाना छोटा करके सिर्फ, ताकि जो कि चलो लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मेरा लोगो, ठीक है, ताकि वो लोगो फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि वो जगह काफ़ी ले रहे हैं। तो पहले तो मैं इसका ना कलर चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड ये काफ़ी सूटेबल है, या शायद ये कोई भी आप अपनी मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ जो कि हल्का हल्का ग्रे टाइप है कुछ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैंने अब ज़रा यहाँ पर मैंने कहना है कि कस्टमर को मैंने कहना है कि वो बाय करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मैंने ना ये जो ये वाली चीज़ है ना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, मैंने शॉप नाव को। अच्छा, काइंडली आप एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर देंगे तमाम लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, बाकियों को स्क्रीन नज़र आ रही है? ये एक भाई को स्क्रीन, बिलाल भाई को स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है, बाकी जो दो साथी हैं उनको स्क्रीन नज़र आ रही है जी? स्क्रीन मेरी तरफ से भी वो लिखा आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसलिए मैंने कंफर्म किया है। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ पर शॉप नाउ योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्लिक ऑन लिंक, ठीक है। तो मैंने, आपने अगर देखा हो तो मैंने शॉप नाउ को कैपिटल रखा है और क्लिक ऑन लिंक को भी मैंने कैपिटल रखा है ताकि वो ज़रा एक इम्पैक्ट बना दे। और मोर ओवर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को रेड कर देता हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को, इन इन वर्ड्स को मैं रेड कर देता हूँ। तो मैंने ये रेड कर दिया, रेड वैसे ही बड़ा चमकता है दूर से, तो ये ज़रूर होगा। तो यहाँ पर अब मैंने एक एरो लगाना है, एरो अब इस दफ़ा मैंने लगाना है ज़रा प्यारा सा ताकि वो एक अच्छी लाइन आए। छोटा सा हो, ये जिनके ऊपर ये प्रो का लिखा होता है ना, ये पेड वाले होते हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, इनके ऊपर फ्री लिखा होता है, वो मतलब उनके आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अच्छा, आपने ना इस तरह का एरो नहीं यूज़ करना, जैसे ये वाला ना, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे ना तो फेसबुक आपका एड रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि चलता हुआ, यानी कि एनिमेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वो स्टिक हो, इमेज हो बस एक सिंपल। तो मैं, अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे तो फेसबुक की तरफ से भी मसला होगा, तो मैं सिर्फ सिंपल सा एक एरो ढूंढ रहा हूँ जो कि प्यारा दिखने में हो आगे, जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। ये वाला बहुत प्यारा, लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो मेरे पास फ्री वाला वर्जन है, पेड वाला वर्जन है ही नहीं मेरे पास कैनवा का, तो मेरा फ्री से ही काम चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं कोई फ्री वाला देख लेता हूँ। ये वाला काफ़ी प्यारा है, ये जो है, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसे मैं फ्लिप कर देता हूँ, अब इसे मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ इस तरह, ये यहाँ पर आ गया, इसका थोड़ा मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ, और ठीक है जी, ये ले जी हमारा एड,
तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको इस ऐड को एक दफ़ा रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक दफ़ा हम मिस्टेक चेक कर लें, कोई हमारी मिस्टेक ना हो, ताकि वो हमें को मसला ना बने उसके अंदर। ठीक है, ये मैं कोई स्पेलिंग चेक कर लूँ, स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो मेरी। शॉप योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स शॉप नाउ क्लिक ऑन लिंक। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि वो विजिबिलिटी में थोड़ा फर्क पता चले। सही है जी, ये भी हो गया। इसके अलावा हमारी ये प्रोडक्ट है, इसमें फ्लॉलेस हेयर रिमूवर ओनली 33 एस पैक ऑफ 5 लैशेस। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारा टोटल ऐड बना है, ये बना है 18 सेकेंड का। ठीक है, तो मैं इसे चला के दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको, तो ये चलता किस तरह है, दिखता किस तरह है। मतलब जी, ये हमारा ऐड है। मैं समझ रहा हूँ कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी मेरे मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा टाइम है, तो मैं इसे कर देता हूँ 4 सेकेंड। ये 17.5 का हो गया, और ये 3 का है, ये 3.5 का है, तो मैं ठीक है, इससे मैं बेसिकली 3 3.5 कर देता हूँ। अभी मेरा 17 सेकेंड का ऐड है टोटली, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये 10 15 15 20 सेकंड का ऐड हो जो कि अच्छा चलता है। अब एक दफ़ा हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई मसला ना हो, ताकि ऐड सही चल रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा, सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं, तो यही है जी। ठीक है, मुझे तो अभी तक बेहतर लग रहा है, देखने में लुक फील भी अच्छी आ रही है, एक नॉर्मल है, यानी कि फ्री के पैसों में जितना काम हो सकता है हो सकता है। तो मैंने, क्योंकि वीडियो डाउनलोड करनी है, मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे फाइल का नाम टाइप बता रहा है, तो मैंने वीडियो पे क्लिक करना है। अब ये मुझे कह रहा है ठीक है, तो मैंने अब डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर हमारी वीडियो तैयार हो गई है। ठीक है जी, लो जी, मुबारक हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को क्लिक कर लेता हूँ एक दफ़ा, चलो मैं दोबारा भी कर लूँगा उसे। अब हमारा ऑलमोस्ट ये बाकी टैब्स जो नए ओपन हुए हैं इनका काम ख़त्म हो गया है। अब हमने जाना है फेसबुक के ऊपर। ठीक है जी, अब हमने फेसबुक के ऊपर आना है। अब हमने पहले इसको पोस्ट करना है, जो वीडियो हमने बनाई है इसको हमने पहले यहाँ पर पोस्ट करना है। तो ये हमारी वीडियो है, ये पहले डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने ओपन करना है, ओपन करके मैंने वही बोल्ड टेक्स्ट वाला सारा मैंने तरीका आजमाना है इसके ऊपर। मैं पहले बोल्ड के ऊपर जाऊंगा, बोल्ड टेक्स्ट से क्या होता है कि उसकी विजिबिलिटी ज़रा बढ़ जाती है। मैंने ये वाले सारे कॉपी कर लेने हैं, ताकि अच्छा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, अब मैंने इसे ही कॉपी कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर जाना है, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। कंट्रोल आर, मैंने यूटी को मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं सारे कैपिटल कर दूँ, यूटी जितने भी मैं चाह रहा था वर्ड्स हैं वो मैं कैपिटल में कर दूँ, ताकि उससे क्या होगा कि मेरी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, जो मेरा स्टैंड आउट है, वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो शॉप नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया जी, शॉप नाउ। ठीक है, इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, तो कोई और नहीं चाहिए ज़्यादा।
ठीक है, ये मेरी वीडियो हो गई जी। अब वीडियो के अंदर यहाँ से भी आप वीडियो के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, टैग्स वगैरह डाल सकते हैं वीडियो के। खैर मैं डाल देता हूँ ब्यूटी के, आप ब्यूटी एंटर करें तो मतलब ये तो सिर्फ मैं वो डाल रहा हूँ कि ताकि मेरा मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। आप यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं वीडियो का, क्योंकि मैंने आगे जाके यूज़ करना है जो मैंने डाला है मैंने वही यूज़ कर लेना है। तो ये कैप्शन, थंबनेल, ऑप्टिमाइज, यानी कि इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे पोस्ट कर देना है। जैसे ही मैंने ये पोस्ट किया, अच्छा जी पोस्ट हो गया मेरा ऐड। अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने बनाना है फेसबुक का ऐड। ऐड मैंने किस तरह बनाना है, मिसाल के तौर पे मेरा जो पेज है, मैं फेसबुक पेज के अंदर आता हूँ और मेरा ये ऑप्टिमाइज ट्रेडर वाला पेज है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज करना था। तो मैं ऐड सेंटर, लेफ्ट साइड पे ऐड सेंटर का लिखा हुआ है, मैंने ऑल ऑल ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पर ऐड मैनेजर के ऊपर मैं चला गया, ऐड मैनेजर के ऊपर जाके ये मुझे डायरेक्ट वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर मेरे ऐड सेट चल रहे हैं। तो मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐड चल रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे ऐड चल रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने होम के ऊपर चले जाना है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे होम का बटन आ रहा है, मैं होम के ऊपर चला जाऊंगा। तो इसके बाद जाके हम यहाँ पर जो नीचे हमारे ऑप्शन नज़र आते हैं, यहाँ पर हम अपने ऐड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल मैंने बॉटम पे आ जाना है। बॉटम पे एक रीसेंट ऐड का लिखा हुआ है, क्रिएट एन ऐड एंड सी इनसाइट हेयर इंक्लूड टोटल बजट रीच एंड कॉस्ट पर एंगेजमेंट। यहाँ पर लिखा होता है क्रिएट एन ऐड, ये डिफरेंट जगह पर होता है, यानी कि इसमें बहुत जगह पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड के अंदर जाके भी कर सकते हैं। मैं तो यही सबसे आसान हल ये है कि नीचे बॉटम पे आ जाए, यहाँ पर लिखा होता है क्रिएट एंड ऐड, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पता नहीं यार इस पेज के साथ ना कोई मसला है शायद। इस ये पेज नज़र आ रहा है आपको, इस पेज के साथ कोई मसला है? बाकी तो कोई मसला नहीं है, इसके साथ क्या मसला है? अच्छा यार, ये वेरिफिकेशन मांग रहा है पेज, तो इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी पहले। यार मसला तो कोई नहीं है, ये पेज के साथ कुछ मसला बना है, मेरे साथ तो नहीं बना। खैर अच्छा जी, तो ये दूसरा, यानी कि ये वही वाला पार्ट है, वही वाली वीडियो है जहाँ पर हम कैनवा में बना रहे थे, लेकिन वो ज़रा मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो इसलिए हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें यह है कि मैं चाह रहा था कि जिसके अंदर एक ही पार्ट के अंदर मेरी ये सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो मैंने अब ज़रा टेक्स्ट कॉपी करना है। पहले तो मैंने ये लोगो और टेक्स्ट, मैंने ये दोनों ही कॉपी, मुझे दोनों चाहिए क्योंकि मैंने इस इमेज के ऊपर यहाँ पर दोनों जगह ही ये लगाने हैं, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। अच्छा, मेरा लोगो आ गया। लोगो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, लोगो अब मैंने लगाना छोटा करके सिर्फ, ताकि जो कि चलो लेट्स अज्यूम के मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मेरा लोगो, ठीक है, ताकि वो लोगो फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि वो जगह काफ़ी ले रहे हैं। तो पहले तो मैं इसका ना कलर चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड ये काफ़ी सूटेबल है, या शायद ये
कोई भी आप अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ जो कि हल्का हल्का ग्रे टाइप है कुछ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि मैंने अब ज़रा यहाँ पर मैंने कहना है कि कस्टमर को मैंने कहना है कि वो बाय करें, सर। मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मैंने ना ये जो ये वाली चीज़ है ना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, मैंने शॉप नाउ को। अच्छा काइंडली आप एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर देंगे तमाम लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, बाकियों को स्क्रीन नज़र आ रही है, ये एक भाई को स्क्रीन, बिलाल भाई को स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है, बाकी जो दो साथी हैं उनको स्क्रीन नज़र आ रही है जी। स्क्रीन मेरी तरफ से भी वो लिखा आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसलिए मैंने कन्फर्म किया है। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ पर शॉप नाउ योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्लिक ऑन लिंक, ठीक है। तो मैंने आपने अगर देखा हो तो मैंने शॉप नाउ को कैपिटल रखा है और क्लिक ऑन लिंक को भी मैंने कैपिटल रखा है ताकि वो ज़रा एक इम्पैक्ट बना दे। और मोर ओवर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को रेड कर देता हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को इन इन वर्ड्स को मैं रेड कर देता हूँ। तो मैंने ये रेड कर दिया, रेड वैसे ही बड़ा चमकता है दूर से, तो ये ज़रूर होगा। तो यहाँ पर अब मैंने एक एरो लगाना है, एरो अब इस दफ़ा मैंने लगाना है ज़रा प्यारा सा ताकि वो एक अच्छी लाइन आए। छोटा सा हो ये, जिनके ऊपर ये प्रो का लिखा होता है ना, ये पेड वाले होते हैं, जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, इनके ऊपर फ्री लिखा होता है, वो मतलब उनके आपको पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा आपने ना इस तरह का एरो नहीं यूज़ करना, जैसे ये वाला ना ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे ना तो फेसबुक आपका एड रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि चलता हुआ, यानी कि एनिमेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वो स्टिक हो, इमेज हो बस एक सिंपल। तो मैं अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे तो फेसबुक की तरफ से भी मसला होगा, तो मैं सिर्फ सिंपल सा एक एरो ढूंढ रहा हूँ जो कि प्यारा दिखने में हो आगे, जिसे मैं यूज़ कर सकूँ। ये वाला बहुत प्यारा, लेकिन ये पेड है, ये फ्री नहीं है। तो मेरे पास फ्री वाला वर्जन है, पेड वाला वर्जन है ही नहीं मेरे पास कैनवा का, तो मेरा फ्री से ही काम चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं कोई फ्री वाला देख लेता हूँ। ये वाला काफ़ी प्यारा है, ये जो है अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसे मैं फ्लिप कर देता हूँ, अब इसे मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ इस तरह, ये यहाँ पर आ गया। इसका थोड़ा मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ और ठीक है जी, ये लिया जी हमारा ऐड तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इस ऐड को एक दफ़ा रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक दफ़ा हम मिस्टेक चेक कर लें, कोई हमारी मिस्टेक ना हो ताकि वो हमें को मसला ना बने उसके अंदर, ठीक है। ये मैं कोई स्पेलिंग चेक कर लूँ, स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो मेरी। शॉप योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स शॉप नाउ क्लिक ऑन लिंक, सही है। मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि वो विजिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क पता चले, सही है जी। ये भी हो गया, इसके अलावा हमारी ये प्रोडक्ट है, इसमें फ्लॉलेस हेयर रिमूवर ओनली 33 एस पैक ऑफ आईलैशेस, ठीक है जी। अच्छा मैं इसके मैं इस ये जो हमारा टोटल ऐड बना है ये बना है 18 सेकेंड का, ठीक है। तो मैं इसे चला के दिखाता हूँ एक दफ़ा आपको, तो ये चलता किस तरह है, दिखता किस तरह, मतलब
ये हमारा ऐड है, मैं समझ रहा हूँ कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी मेरे मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा टाइम है, तो मैं इसे कर देता हूँ 4 सेकंड। ये 17:30 का हो गया और ये 3 का है, ये 3:30 का है, तो मैं ठीक है इससे मैं बेसिकली 3 3:30 कर देता हूँ। अभी मेरा 17 सेकंड का ऐड है टोटली, तो मेरा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये 10 15 15 20 सेकंड का ऐड हो जो कि अच्छा चलता है। अब एक दफ़ा हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई मसला ना हो, ताकि ऐड सही चल रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा, सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं, तो यही है जी। ठीक है, मुझे तो अभी तक बेहतर लग रहा है, देखने में लुक फील भी अच्छी आ रही है, एक नॉर्मल है, यानी कि फ्री के पैसों में जितना काम हो सकता है हो सकता है। तो मैंने क्योंकि वीडियो डाउनलोड करनी है, मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे फाइल का नाम टाइप बता रहा है, तो मैंने वीडियो पे क्लिक करना है। अब ये मुझे कह रहा है ठीक है, तो मैंने अब डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, तो फिर हमारी वीडियो तैयार हो गई है। ठीक है जी, लो जी मुबारक हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को क्लिक कर लेता हूँ, एक चलो मैं दोबारा भी कर लूँगा उसे। अब हमारा ऑलमोस्ट ये बाकी टैब्स जो नए ओपन हुए हैं इनका काम ख़त्म हो गया है, अब हमने जाना है फेसबुक के ऊपर। ठीक है जी, अब हमने फेसबुक के ऊपर आना है, अब हमने पहले इसको पोस्ट करना है, जो वीडियो हमने बनाई है इसको हमने पहले यहाँ पर पोस्ट करना है। तो ये हमारी वीडियो है, ये पहले डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैंने ओपन करना है, ओपन करके मैंने वही बोल्ड टैक्स वाला सारा मैंने तरीका जमाना है इसके ऊपर। मैं पहले बोल्ड के ऊपर जाऊंगा, बोल्ड टैक्स से क्या होता है कि उसकी विजिबिलिटी ज़रा बढ़ जाती है। मैंने ये वाले सारे कॉपी कर लेने हैं, ताकि अच्छा ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, अब मैंने इसे कॉपी कर लेना है, अब मैंने यहाँ पर जाना है, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। कंट्रोल आर, मैंने यूटी को मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं सारे कैपिटल कर दूँ, यूटी जितने भी मैं चाह रहा था वर्ड्स हैं वो मैं कैपिटल में कर दूँ, ताकि उससे क्या होगा कि मेरी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, जो मेरा स्टैंड आउट है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो शॉप नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया जी, शॉप नाउ ठीक है, इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, तो कोई और नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, ये मेरी वीडियो हो गई जी। अब वीडियो के अंदर, यहाँ से भी आप वीडियो के अंदर जाके एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं, टैग्स वगैरह डाल सकते हैं वीडियो के, खैर मैं डाल देता हूँ ब्यूटी के, आप ब्यूटी एंटर करें, तो मतलब ये तो सिर्फ मैं वो डाल रहा हूँ कि ताकि मेरा मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े। आप यहाँ पर टाइटल भी डाल सकते हैं वीडियो का, क्योंकि मैंने आगे जाके यूज़ करना है, जो मैंने डाला है मैंने वही यूज़ कर लेना है, तो ये कैप्शन थंबनेल ऑप्टिमाइज, यानी कि इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे पोस्ट कर देना है, जैसे ही मैंने ये पोस्ट किया, अच्छा जी पोस्ट हो गया मेरा ऐड, अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने बनाना है फेसबुक का ऐड। ऐड मैंने किस तरह बनाना है, मिसाल के तौर पे मेरा जो पेज है, मैं फेसबुक पेज के अंदर आता हूँ, और मेरा ये ऑप्टिमाइज ट्रेडर वाला पेज है, मैंने इसको ऑप्टिमाइज करना था, तो मैं ऐड सेंटर, लेफ्ट साइड पे ऐड सेंटर का लिखा हुआ है, मैंने ऑल ऑल ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर ऐड मैनेजर के ऊपर मैं चला गया, ऐड मैनेजर के ऊपर जाके ये मुझे डायरेक्ट वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर मेरे ऐड सेट चल रहे हैं, तो मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐड चल रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे ऐड चल रहे हैं मेरे। ठीक है, तो मैंने होम के ऊपर चले जाना है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे होम का बटन आ रहा है, मैं होम के ऊपर चला जाऊँगा,
इसके बाद जाके हम यहाँ पर जो नीचे हमारे ऑप्शन नज़र आते हैं, यहाँ पर हम अपने ऐड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल मैंने बॉटम पे आ जाना है। बॉटम पे एक रीसेंट ऐड का लिखा हुआ है, क्रिएट एन ऐड एंड सी इनसाइट हेयर इंक्लूड टोटल बजट रीच एंड कॉस्ट पर एंगेजमेंट। यहाँ पर लिखा होता है क्रिएट एन ऐड, ये डिफरेंट जगह पर होता है, यानी कि इसमें बहुत जगह पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड के अंदर जाके भी कर सकते हैं। मैं तो यही सबसे आसान वाली है कि नीचे बॉटम पे आ जाए, यहाँ पर लिखा होता है क्रिएट एन ऐड, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पता नहीं यार इस पेज के साथ ना कोई मसला है शायद। ये पेज नज़र आ रहा है आपको, इस पेज के साथ कोई मसला है? बाकी तो कोई मसला नहीं है, इसके साथ क्या मसला है? अच्छा यार, ये वेरिफिकेशन मांग रहा है पेज, तो इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी पहले। यार मसला तो कोई नहीं है, ये पेज के साथ कुछ मसला बना है, मेरे साथ तो नहीं बना। खैर, अच्छा जी, तो आप लोग एक मिनट वेट करें, मैं पेज को ज़रा देखता हूँ, तो उसके बाद हम करते हैं कुछ। हाँ जी, तो